सुहागी थाना क्षेत्र के पहाड़ों में लंबे समय से नकली सीमेंट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। कई बार पुलिस ने कार्यवाही की, लेकिन तस्कर सीमेंट राखड़ मिलाकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से सीमेंट का काला कारोबार कर रहे थे। एक बार फिर पुलिस ने दबिश देकर लाखों रुपए कीमती सीमेंट बरामद किया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना के बाद चाक घाट और सुहागी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर हमारी टीम ने दबिश दी और बड़ी मात्रा में रेत अपना सीमेंट बनाने का कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसमें कि सीमेंट के साथ साथ राखड़ मिला के बनाने का काम किया जा रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है कि ज़मीन किसकी है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है, साथ ही किन किन कंपनी से जो ट्रक्स हैं वो आए हैं, कहाँ पर वो जाने वाले थे, किस रेट पर उनका बेचना था, इन सब पर अभी हमारी टीम काम कर रही है और अतिशीघ्र आरोपियों की अरेस्टिंग करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक रैकेट पकड़ा है एसटीओपी चौथर ने, जिसमें कि सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब असली सीमेंट में राखड़ मिला के और अपमिश्रण करके और बड़े पैमाने पर सीमेंट बनाया जा रहा था। और इसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी मिली है जिसमें कि सीमेंट जो है वो लोड भी है। इसके अलावा जो बोरे हैं वो मिले हैं और लगभग 3000 के आसपास ऐसे सीमेंट मिले हैं जिसमें कि राखड़ मिश्रित किया हुआ है और या तो ऐसा रॉ सीमेंट और राखड़ है जिसको मिला के सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसकी सूचना मिलने पर यहाँ कार्रवाई आज की गई है और इसके हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।